अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डाल एजुकेशन के हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वीडियो ट्यूटोरियल शानदीद। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है एचटीएमएल बेसिक टैग्स। इस वक्त भी आप जो वेबसाइट बनी हुई नजर आ रही है आपको, इसमें ये जो ऊपर लिखा हुआ है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, इसका फॉन्ट डिफरेंट है, इसका साइज डिफरेंट है, नीचे वाले एचटीएमएल का और है, इसका और है। ये सारी हेडिंग्स है। हेडिंग एक खास किस्म की इंफॉर्मेशन है जो आपको प्रोवाइड करती है। फुल जो आपके पास हेडिंग्स हैं एचटीएमएल के अंदर, वो सिक्स हेडिंग्स करते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। इसके अलावा हेडिंग्स नहीं है, और उनको हेडिंग्स को हम करने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं। और ये मैंने जो प्रोग्राम बनाया हुआ था, मैं उसी को एक प्रोग्राम में स्ट्रक्चर में लेता हूं, और हेडिंग्स डॉट HTML, ये मैंने H1 दिया हुआ है। मैं इसी को कॉपी कर रहा हूं और पेस्ट कर रहा हूं ताकि मेरा टाइम जाया ना हो सके। अब मैं इनको तब्दील कर रहा हूं, आप लोग भी इसी तरीके से इसको तब्दील करें। H6 उसका क्लोजिंग टैग भी आपने वैसे ही करना है। अगर H6 तक है, एक कंफ्यूजन अपने जेन से ये निकालें, अगर इफ यू वांट टू अ प्रोग्रामर और डेवलपर, ये जो एक खौफ आपने अपने दिलों में बिठाया हुआ है ना कि सर ने कह दिया 6 तक करनी है, अगर मैंने कुछ और किया तो खराबी हो जाएगी, याद रखें कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर आपके एरर इज अ ब्लेसिंग। अगर आपको एरर पता चलते हैं अपने, तो आप उसको निकाल सकते हैं, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर द डेवलपर्स, उससे सीखता है वो। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बात कर दी कि आपका 6 तक है, तो क्या 125 हो सकता है? 136। अभी आप समझें कि ये एरर देगा कि नहीं देगा, तो क्या करेगा, क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, बाहर निकाल के फेंक देगा, क्या करेगा, शो नहीं करेगा। जो कहते हैं ये मेरे ख्याल में तो शो करेगा ही, करेगा किस तरह करेगा, आप जरा गौर करेंगे कि जो हेडिंग्स हैं खास फॉर्मेट तक तो आ रही है, ये 6 तक है, उसके बाद जितने भी वो आप लिखते हैं वो उसके इलम में नहीं है, उनको वो आम टेक्स्ट के तौर पे डील करेगा। यही H6 की हेडिंग है। अब आपने इस्तेमाल कहाँ करनी है, ये आपका काम है। हम आपको ये नहीं सिखा सकते कि आपने इसको कहाँ इस्तेमाल करना है, ये अब आपकी लुक है। आप कपड़े डिजाइन करवाते हैं, चीजें करते हैं, घर की सेटिंग्स करते हैं, यही आपका मल्टी मीडिया में होना है। आपने कहाँ यूज करना है, किस कलर में यूज करना है, ये आप लोगों का मसला है, इससे नहीं है। हम आपको अब लैंग्वेज सिखा रहे हैं, मल्टी मीडिया आपको ये सिखाएगा कि ये आपने डिजाइन पैटर्न किस तरह से इस्तेमाल करना है। HTML आपकी लैंग्वेज से ये सिखाएगी कि आपने इसको यूज कहां करना है। नेक्स्ट टैग के ऊपर आते हैं जी, डाल एजुकेशन पे वापस आ जाएं। अगला टैग है जी, वो है पैराग्राफ टैग। ये जो लिखा हुआ है ना यहां से लेके यहां तक, एक पैराग्राफ। पैराग्राफ इसलिए होता है ताकि यूजर अपनी बात को मुकम्मल कर सके। आप कोई भी वेबसाइट ले लेंगे, अब मैं BBC खोल लेता हूं, तो आप उर्दू में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर मैं आपकी लैंग्वेज में बात करना शुरू करूं और आपको समझाऊं कि एक पेज के ऊपर कितना काम होता है, ये सिर्फ आप उर्दू, आप एक कोई भी वेबसाइट खोल रहे हैं, लेट सपोज ये वेबसाइट खोल रहे हैं, कितना को पेज होगा, कितनी को लाइंस का है, कितनी है? एक फिगर दें। आप राइट क्लिक करें, यहां होता है व्यू पेज सोर्स, तो
अब आपको अंदाजा हुआ है काम कैसे होता है। आप जो अभी टैग लिखा है इतनी लिखेंगे तो अच्छा, ये पैराग्राफ है जो इतना सा लिखा हुआ है कि ये एक चीज है, ये पैराग्राफ है। पैराग्राफिंग के अंदर आपने समझना कि किस चीज के अंदर है। अच्छा बहरहाल हम वापस आते हैं और ये पैराग्राफ बनाते हैं, और मैंने इसी तरह से पैराग्राफ लिखा था, मैं बाकी को अब पैराग्राफ टैग है। मेरी कोशिश होगी कि ये फाइल्स भी आपकी वहां पे मैं अपलोड कर दूं। वैसे तो वीडियो देख रहे हैं तो इस सिंपल आपकी HTML अब पी स्टार्ट है, पैराग्राफ पी। इसमें लिखना क्या है आपकी मर्जी। हेलो माय नेम इज सैफुल्ला डार, आई एम अ स्टूडेंट स्टूडेंट ऑफ BSIT सेक्शन BSIT बहाउद्दीन। ये मैं आपने लिए नहीं बना रहा, आप लोगों को बना रहा हूँ। आप लोगों से एक पेज नहीं लिखा जाना, आप लेंगे हम लिखें क्या इसमें जकरिया। वैसे आप फेसबुक पर भी पोस्टिस करते रहते हैं। यूनिवर्सिटी बहाउद्दीन जगह यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस, ये चाहिए मुझे, ये असाइनमेंट चाहिए मुझे, ये आपकी नेक्स्ट मंडे को क्लास होने से पहले ये असाइनमेंट मुझे चाहिए होगी। लाहौर कैंपस, आई एम नाउ स्टडिंग द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स लाइक दिस। जहां आपको खत्म करना है वहां आपने पी कर देना है। अगला पैराग्राफ स्टार्ट करना है, आई बिलोंग टू अ कश्मीरी फैमिली। ये ना हो कि सारे कश्मीरी लिखे हुए हों। आई एम अ वेरी लर्निंग पर्सन लाइक दिस। जो भी आपने अपने बारे में लिखना है व्हाट सो एवर, पी लिख के जहां पे आपको चाहिए वो पी पैराग्राफ आपने बंद कर देना। इसको ओपन कीजिए, पैराग्राफ फाइल, यू कैन सी दैट। पैराग्राफ की थोड़ी सी निशानी समझाने के लिए मैं ये जो लिखा है मैंने इसको मैं कॉपी कर रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ऐसे इसको रिफ्रेश करता हूं। अब आप पैराग्राफ को अंडरस्टैंड, पैराग्राफिक फाइल है। अच्छा आप अपनी जब चीजों को समझते जाएंगे तो आप बेहतर होते जाएंगे। अगर मैंने ये पैराग्राफ इस तरह से लिखा है और मैं जो अपना ब्राउजर इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर मैं उसमें अपनी लाइंस इस तरह से डाल दूं, लेट्स सपोज, क्या होगा? फिर भन भाई भन एक मौके पे रहा करें, जो कहते हैं जी कुछ नहीं होगा उधर हाथ खड़ा करें, बहुत कम तादाद है, कुछ भी नहीं होना, इसको से कुछ भी नहीं होगा, नो स्पेस। पैराग्राफ कंप्यूटर को इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने जितनी मर्जी डिजाइनिंग कर। हाँ आपको चाहिए डिजाइनिंग तो उसके लिए एक और टैग होता है जिसको हम कहते हैं प्री फॉर्मेटेड टैग। इसके लिए टैग का नाम होता है PRE। अब आप इसको PRE कर दें, ये इंस्ट्रक्शन दे देगा, अब आपने जितनी भी लाइंस ड्रॉ की होंगी ये उसके तहत दिखाएगा। ये फर्क है PRE, PRE का फॉन्ट थोड़ा सा हल्का हो जाएगा और जिस तरह से आपने इसको डिजाइन किया है वैसे भी दिखाएगा। ये पैराग्राफ है पर ऊपर वाला PRE है। मैंने थोड़ा सा बढ़ा के लिखा था ना ताकि मुझे पैराग्राफ समझा सकूं, वो नहीं करेगा, मैंने बढ़ाया बस। सबसे बेहतर आपके आंसर का जवाब देने वाला आपका कंप्यूटर है, आप उसके साथ तजर्बात करें कि ये मैं करूंगा तो क्या होगा, क्या वो इसका इफेक्ट देता है। हर चीज टीचर पे मत थोपें। आपके पास लैपटॉप है, आप इसको सिवाय चीजों को यूज करने के लिए करते हैं, आप इसके साथ तजर्बात करें, इसमें करके देखें कि अगर मैं ये इस तरह पैराग्राफ लिखूंगा क्या रिजल्ट आता है। वो जो नॉलेज आप हासिल करेंगे दैट वॉज योर एक्सपीरियंस। सो जितनी देर में मैं ये अगला करूंगा आप इसको करके देख लें, आपके पास लैपटॉप नहीं है तो फिर देन यू चेक इट आउट। आगे चलें जी, अब पी टैग हो गया। अच्छा अब अगर आपने कहा जी कि नहीं ये तो मुझे डिजाइन नहीं पसंद आ रहा, मैं वापस पी पे लेके आ रहा हूं, नेक्स्ट मैं लेके फिर मैं PRE नहीं कर रहा,
मैं पी कर रहा हूं ताकि मुझे लुक जो है वो थोड़ी सी बन जाए, मैं वापस लेके आ रहा हूं आपको दिखाने के लिए। अब अगर आपने एक पैराग्राफ के अंदर रहते हुए लाइन ड्रॉ कर, लाइन छोड़नी है, तो उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है जिसको कहते हैं बी आर, ब्लैंक रो। ये एब्रीवेशन भी मैं साथ साथ बता रहा हूं, और इसको बंद करने की जरूरत नहीं होती, ये सेल्फ कंटेनिंग टैग है। आप देखेंगे वहां लाइन आ जाएगी, जहां लिखेंगे कंप्यूटर वहां से लाइन ड्रॉ कर देगा, लाइन मतलब नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। बी आर हाँ ये है कंप्यूटर का। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपने किसी चीज को कहते हैं जी, अगर आप देखें यहाँ पे नेक्स्ट हमारे टैग आ रहा है, दैट वाज लाइन ब्रेक हो गया, ये सेंटर में लेके आना है। अभी आप हेडिंग देखेंगे तो वो सेंटर में नहीं आ रही है, ये व्यू करके देखेंगे सेंटर में नहीं आ रहा सैफुला डार। आप चाहते हैं कि इसको सेंटर में लेके आए तो इसकी कोडिंग देख लें। एक होता है टैग सेंटर, सेंटर जहां आपने लगाना है वहां सेंटर लिखें, उसको सेंटर क्लोज कर दें। अगर मैंने इस टैग को बंद नहीं किया तो क्या होगा? शाबाश, अब आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग कंप्यूटर के साथ चलना शुरू हो गया। ये ले सेंटर में आ गए सारा। अगले टैग पे आए, वो टैग है हमारा हॉरिजेंटल लाइन। एक लाइन बीच में आपने ड्रा करनी हो तो उसके लिए टैग होता है एच आर। मैं इसके बाद करना चाह रहा हूं एच आर, हॉरिजेंटल रो, एब्रीवेशन याद रखिएगा, सेव करके किया करें। जहां पे आपने करना है वो एक हॉरिजेंटल रो जो है वो आपके कंप्यूटर पे ड्रॉ कर देगा। पीआरई हम कर चुके हैं, नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस के लिए आप जो इस्तेमाल करते हैं वो, ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।